हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों की होली कैसी मनी है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हम लोगों ने तो होली मना ली है और नहाने का टाइम आ गया, जो कि बच्चे बच्चे को तो हम नहला दिए हैं और मैं बच गई हूँ। कई बार मुंह वगैरह धो लिए हैं और अभी फेस देखिए कैसे हो रखा है, लाल से कलर के फेस हो रखे हैं, गुलाल रेड कलर का। और हमारा लड़का का, उसका तो बिल्कुल ही चेहरा काला था बिल्कुल। वो कौन सा गुलाल होता रंग होता है वो पता नहीं क्या होता है, काला काला सा, इतना मतलब बेकार सा हो रखा था। रगड़ रगड़ के साबुन से जूना से छुरा छुरा के व्हाइट किया है अपने मुंह को, पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और हमारा छोटे वाला बेटा का इतना ज़्यादा काला हो गया है, जो चश्मा लगाता है उसके चश्मे उसमें जो जहाँ सारे, और हाथ का, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, हमने गुलाल से खेले थे। और मेरा लड़का को पता है क्या किया मेरे लड़के ने, लोहे का जूना लेके और रगड़ना शुरू कर दिया दोनों हाथों को। मैंने बोली बेटा खून वगैरह निकल जाएंगे या चमड़े छिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं होगा मम्मी, नहीं होगा। तो फिर जाके किसी तरह छुड़ाया है। और बाकी वैसे भी रंग जो पक्के वाले होते हैं वो 3-4 दिन से पहले छूटते नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे नहीं लग रहा जो बच्चों के रंग छूटेंगे। और हमारे हस्बैंड जी, उनके भी सारे मुंह वगैरह जो भी काला हो चुका है बिल्कुल ही। और वो तो अभी नहाए भी नहीं है, बच्चे बच्चे नहा लिए हैं, मैं अब नहाने जा रही हूँ क्योंकि फ्रेश हो जाते हैं। बहुत सारा अभी काम है क्योंकि अभी खाना वाना भी ऐसे पर, और बहुत सारे काम है। बच्चे के रंग वाले कपड़े कितने सारे हैं उसको भी धोना है, जो कि अभी हम नहीं धोएंगे, कल उसको धोएंगे, इसलिए क्योंकि अब थक गए सुबह से, जैसे कि सब आए गए, त्योहार का दिन था, होली वगैरह खेले, तो इसलिए बहुत सारे काम हो जाता है घर में। और फिलहाल में अभी मेरे हस्बैंड जी कहीं घूमने गए हैं और मैंने इस बार मैं अपने हस्बैंड जी को बहुत सारे गुलाले लगा दी हूँ, रंग लगा दी, उन्होंने भी लगाए मुझे। और बाद में उन्होंने लगाए थे वही लाल अभी तक चेहरे पे फेस पे दिख रहा है, और मैंने उनको भी लगाई हूँ बहुत। वो हंस रहे थे, शर्म आ रही थी उनको, चाहिए मुझे रंग लगा रही है, तो इसीलिए। और मुझे शौक था, मुझे मन कर रहा था होली खेलने का, तो खोल लिए। लेकिन शुरुआत मेरे बेटे ने किया था सुबह उठ के, मैं किचन में खाना वगैरह बना रही थी तो थोड़ी देर वो मस्ती वगैरह किया सबके साथ, तो बोला मम्मी मैं होली खेलूंगा आपके साथ। मैं बोली कोई बात नहीं बेटा खेल लो। फिर क्या किया, गुलाब का पैकेट लिया और गुलाब को फाड़ा, और उसके बाद क्या किया, मेरे दोनों इसमें गालों में लगाया, इसमें लगाया और दोनों पैर पे डाल के और ऐसे करके प्रणाम किया है, बोला मम्मी मुझे आशीर्वाद दो। और पापा जी को भी ऐसे ही किया, पहले पैर पे उनके डाला है, फिर आशीर्वाद लिया, फिर दोनों गालों में लगाया। पापा शर्म के मारे तो इतने वो हो रहे थे, शर्म आ रही थी क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसीलिए। और आप लोगों की कैसी होली मनी तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। तो हम जा रहे हैं, बहुत सारा काम उम है, तो मैं सोची कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, जो कैसी आप लोगों की होली गई है। तो अच्छा ही होली गया है, होली तो, होली त्योहार तो बहुत ही अच्छा दिन है ही, बट लोगों थोड़ी बहुत जो है ना थोड़ी बहुत वो करके और लड़ाई झगड़ा कर लेते। लेकिन अब जो है धीरे धीरे समय बदल चुका है। अब लोग क्या करते हैं, जो भी पीना खाना होता है, बनाना होता है, सब अपने घर में ही करते हैं और घर में ही रहते हैं। ये सबसे बहुत अच्छी बात है, जो कितना भी अपना खाना पीना जो भी करना है अपने घर के अंदर रह के करिए, इसलिए क्योंकि बाहर निकलने के बाद जानते हैं, बाहर निकलिए तो समझिए कहानी खराब, किसी से न किसी से लड़ाई हो ही जाती है। अगर आप अच्छे बात ही बोलेंगे ना तो अगले को बुरा लग जाता है आज के दिन, तो इसलिए थोड़ा सा अपने घर में ही सेफ्टी रहना चाहिए। और अपने घर में ही होली वगैरह खेलते हैं तो अच्छा लगता है। और खासकर मैं आज अपने हस्बैंड जी को मैं बाहर नहीं जाने दी हूँ बिल्कुल भी, सुबह से पूरा दिन घर में ही थी। मैं बोली जो भी करना है अपने घर में ही कीजिए, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, और भी आए गए रिश्तेदार है सबके साथ आप मस्ती करिए, जो भी करना है अपनी फैमिली के साथ, बाहर नहीं जाना है, बाहर जाने से फिर कहानी बिगड़ जाती है। और ऊपर से है जो इतने होली वाली के त्यौहार में सब खाए पिए घूमते रहते हैं, तो जैसे हम, मैं लेडीज हो गए कहाँ जाऊँगी ढूंढने, बच्चे छोटे छोटे हैं और अकेले दिल्ली में रहती हूँ, कोई है नहीं हमारे सपोर्ट करने के लिए, तो फिर इसलिए मैं जाने ही नहीं दी उनको। और वैसे भी वो जाते नहीं है, इधर 5-6 साल से घर में ही रहते, पहले चले जाते थे दोस्तों के साथ, बट अभी नहीं जाते हैं, समझदार हो गए हैं इसलिए शायद। तो फिर दोस्तों जरूर, अगर हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज हमें छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बस अभी मन किया आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, तो पूछ लूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे फैमिली बन चुके हैं इतनी अच्छी है। तो
हक तो बनता है हमारा पूछने का आप लोगों से। आप लोग भी जो हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो पूछने ही वाला बात हुआ, हम हमें पूछते हैं, तो इतना तो हक बनता है जो मैं भी आपको पूछूं जो कैसे क्या कैसे मनाए आप लोगों ने। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा होली मनाए होंगे और इसी तरह आप लोग मनाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं फिलहाल जा रही हूँ नहाने, क्योंकि बहुत सारे भी काम पड़ा है और देखते हैं क्या क्या करना है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पूरे घर वर बाहर भीतर सारे गंदे पड़े हैं, ऐसे ही हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए, किसी का सपोर्ट नहीं मुझे मिलता है। तो फिर लव यू हमारे यूट्यूब फैमिली, इसी तरह आप लोग खुश रहिए, साथ देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।